A very good morning, students. Today we will start the next topic, which is called the escape speed. क्या बोला जाता है इसको? Escape speed बोला जाता है. ठीक है? Escape speed हम पहले understand करते हैं होती क्या है. देखो, ये हमारे पास Earth surface है. तो Earth surface की एक particular gravitational field भी होती है. ठीक है? मान लो यहाँ तक इसकी gravitational field का influence रहेगा. ठीक है? अगर मैं किसी बॉडी को सर्टेन वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं तो ये बॉडी थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर जाएगी एंड इट विल रिटर्न बैक टू द अर्थ सरफेस. किसकी वजह से ये वापस आ गई? अरे दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स इसको वापस खींच ले रही है. क्लियर है बात? अगर मैं थोड़ी सी वेलोसिटी और ज्यादा दे देता हूं इसको तो क्या होगा? फिर से ये यहां तक डिस्टेंस कवर करती हुई वापस आ जाएगी, यहां पे पहुंच जाएगी. तो क्या आपको किसकी वजह से फिर से वापस आ गई? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. तो हमें एक ऐसे वेलोसिटी को चूज करना है जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं, थ्रो करता हूं, तो इट विल क्रॉसेस दिस ग्रेविटेशनल फील्ड. ये बॉडी इस ग्रेविटेशनल फील्ड को ही क्रॉस करके बाहर निकल जाए. तो दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी इन विच the body crosses this gravitational field is called the escape velocity. क्या बोला जाएगा इसको? Escape velocity बोला जाता है. Escape का मतलब क्या हुआ? दूर चले जाना. दूर किससे दूर जा रहा है भाई? अरे gravitational field से दूर जा रहा है. ठीक है? तो इसी velocity को हम क्या बोलते हैं? Escape speed. तो देखो उसकी statement क्या बन जाती है. The minimum velocity is required to the body to throw it. बॉडी को दे रहे ना पूरी वेलोसिटी इट आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ताकि हम इतनी वेलोसिटी देगी उसको हम थ्रो कर देंगे इससे ग्रेविटेशन फील्ड से ही वो बाहर चली जाए. सो दैट इट नेवर रिटर्न बैक टू द फील्ड ताकि वो फील्ड में कभी वापस ही ना आए. समझाइए बात. ये मैंने इतनी वेलोसिटी दी इस ऑब्जेक्ट को कि वो इस ग्रेविटेशन फील्ड को ही क्रॉस करके बाहर निकल गया. तो जितनी मैंने इसको वेलोसिटी दी जहां पर ये ग्रेविटेशन फील्ड को बाहर करके चला जा रहा है उसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं? एस्केप स्पीड बोला जाता है. क्लियर हुई बात ये सारी? ठीक है. जैसे मान लो हम लोगों को कोई रॉकेट लॉन्च करना है और सर्वे से लेकर के मार्स तक भेजना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस रॉकेट को पहले ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर भेजना पड़ेगा. किसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से? अरे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर भेजना पड़ेगा तभी जाकर के वो मार्स में पहुंचेगा ना. अगर हम थोड़ी सी वेलोसिटी देते तो वो तो रॉकेट ऊपर जाएगा और वापस फिर सरफेस पर गिर जाएगा. ठीक है? तो इसके लिए अब हमने कैलकुलेशंस करनी है, एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है कि मुझे कौन-कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिसके ऊपर हमारी एस्केप वेलोसिटी जो वो डिपेंड करती है. क्लियर बात? और कितनी होनी चाहिए ये एस्केप वेलोसिटी सो दैट वी कैन कैलकुलेट फॉर द एवरी प्लेनेट, हर एक प्लेनेट के लिए हम इसको कैलकुलेट कर सके. समझ आ रहा? तो हम यहां पे क्या कंसीडर करते हैं? दिस वन इज द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है? अर्थ सरफेस कंसीडर कर लिया मैंने ये और यहां पे मैं मान लेता हूं कि इसकी फील्ड जो है कुछ यहां तक है. इसकी फील्ड अर्थ सरफेस की फील्ड कंट्रेस यहां तक रहेगा. ठीक है? तो हम क्या करते हैं? बॉडी को थ्रो कर रहे हैं तो उसको भेजना कहां पर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस में भेजना है. यानी जैसे वो ग्रेविटेशन फील्ड को बाहर क्रॉस कर जाएगी वो कहां पे पहुंच जाएगी? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच जाएगी. तो मैं क्या करता हूं, मुझे यहां से इसको प्रोजेक्ट करना है. कितने डिस्टेंस से प्रोजेक्ट करना है? अरे भाई आर डिस्टेंस से. आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ और प्लेनेट मान लेते हैं. ठीक है? तो इतने डिस्टेंस से मुझे इस बॉडी को प्रोजेक्ट करके कहां भेजना है? इनफाइनाइट में भेजना है. अरे जब ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकलेगी तो वो तो इनफाइनाइट डिस्टेंस में जाएगी ना. ऐसा थोड़ा नहीं रुक जाएगी वहां पर जाके. ठीक है? जितनी सर्टेन वेलोसिटी होगी उतनी वेलोसिटी के साथ वो मूव करती रहेगी. तो दैट मींस वो इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया मेरे को. ठीक है? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूं कि इस फील्ड के अंदर मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उस बॉडी को ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा. मान लो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो है मैं डी एक्स मान लेता हूं. ठीक है? व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स. कहां से एक्स? सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर ये पड़ा हुआ है. क्लियर बात है? सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है ये. तो उसमें मैं देख लेता हूं कि कितना मुझे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा. अगर मेरे पास ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेता हूं मैं तो मुझे इस पूरी की पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे छोटा सा ही वर्क डन करना पड़ा. तो आई कैन यूज इट. द स्मॉल वर्क इज डन इन डूइंग दिस सो
the body is displacing from point A to B is written as F but dx. Force into displacement, Boyden का formula use किया हमने, into cos of what? Theta. अब यहाँ पे हमें theta की value calculate करनी पड़ेगी, भाई theta कितना आएगा? Theta किसके बीच का होता है? Angle किसके बीच का? Force और displacement के बीच का, तो theta will come out to be, देखते हैं यहाँ पे theta कितना आ रहा है? देखो भाई, body को displace किया मैंने कहाँ से कहाँ? A से B की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, clear है? जबकि force जो है, gravitational force जो है, वो उसको किस तरफ खींच रही है? Downward direction. तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया? अरे displacement ऊपर की तरफ, force नीचे की तरफ. दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है? 180 degree. So I can write it here as 180 degree theta. So it will can written be as dw is equal to f dx or cos 180 degree value minus 1. So this can be written as. Very good. यहाँ तक. अब ये force कौन सी है भाई? कौन सी force इस body के ऊपर act कर रही है? That is the gravitational force and the formula for the gravitational forces comes out to be capital G, capital M, small m upon r square की जगह हम क्या लेंगे? अरे कितनी displacement पर है यहाँ पे? x square के ऊपर है, ठीक है? इसकी value बढ़ाओ, इसमें substitute कर देते हैं, तो dw will comes out to be minus of capital G, capital M, small m upon x square into what? ds, where capital M represent the mass of the earth or planet, ठीक है? small m represent the body. मास होता है बॉडी, छोटी बॉडी जिसको हमने प्रोजेक्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया हमारे पास क्या? स्मॉलर वर्क डन. अब मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है कि भाई जब मैंने यहाँ से वर्किंग स्टार्ट की, कहाँ से? रेडियस आर से वर्किंग स्टार्ट की, कहाँ तक लेके गया उसको? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके गया. तो मुझे कितना टोटल वर्क डन करना पड़ा? तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर देता हूँ. इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो भाई, हमारे पास क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू व्हाट? लिमिट बताओ भाई, लिमिट्स का मतलब क्या होता है? हमें बर्डन के बारे में बोल रहे हैं, तो बर्डन की लिमिट को कौन डिसाइड करेगा? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कहां से यहां तक हुई? अरे मैं यहां से इस बॉडी को थ्रो कर रहा हूं, कहां तक भेजना चाहता हूं? इनफाइनाइट तक. तो ये जो बॉडी पड़ी हुई है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पर पड़ी है? अरे भाई r डिस्टेंस पर पड़ी हुई है. कहां तक लेके जाना चाहता हूं? इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर. तो जैसे कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ dx किसके बराबर किया है? x के बराबर. तो इंटीग्रेशन ऑफ dw किसके बराबर हुई? w के बराबर. कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लेते हैं, तो कैपिटल g, कैपिटल m, स्मॉल m कांस्टेंट है. अंदर बचेगा मेरे पास r to इनफाइनाइट, यहां बचेगा 1 upon x square into dx. अब इसको भाई कैसे सॉल्व करें? तो सॉल्व करने का एक ही तरीका है, इसको x स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं, तो वर्क डन विल कम्स आउट टू बी कितना बन जाएगा? माइनस ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम इंटीग्रेशन r टू व्हाट? इनफिनिटी. तो देखो x स्क्वायर किसको ऐसे लिख दूं मैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स से सिंपल. ऊपर ले गया, अब वो इसको कैलकुलेट, माइनस ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, x स्क्वायर. तो x की पावर m का इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है? x n माइनस 1, सो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है. जैसे इंटीग्रेशन हम करते हैं ना भाई, ये इंटीग्रेशन के बेसिक रूल याद कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है? तो ये बन जाएगा मेरे पास कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम. तो ये बन जाएगी इक्वेशन माइनस ऑफ वन, और यहाँ नीचे भी माइनस ऑफ वन, लिमिट आर टू इनफाइनिट. माइनस कोई बाहर ले आए तो माइनस माइनस प्लस कर देगा ये, ठीक है? तो बन जाएगा कैपिटल जी, कैपिटल एम, व्हाट? स्मॉल एम बन गया. कर इसको कैलकुलेट, अब 1 अपॉन x आ गया, लोअर लिमिट है मेरे पास r, अपर लिमिट है इनफिनिटी. वैल्यूज डाल दो, क्या बन जाएगा मेरे पास? कैपिटल g, कैपिटल m, स्मॉल m, ठीक है? और ये कितना आएगा मेरे पास? अपर लिमिट 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस ऑफ 1 अपॉन व्हाट? r. कितना आया? अरे 1 अपॉन इनफिनिटी 1 अपॉन r. 1 अपॉन इनफिनिटी की वैल्यू तो हम लोगों को पता है कितनी होती है, कितनी होती है? 0 के बराबर होती है. तो बचेगा क्या यहां मेरे पास? माइनस ऑफ 1 अपॉन r. तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई यहां पे? कैपिटल g, कैपिटल m अपॉन व्हाट? r. दैट वर्क इज डन. इतना वर्क डन हमें करना पड़ा, सॉरी विद द नेगेटिव साइन भी आएगा, इतना वर्क डन हमें करना पड़ा इस बॉडी को प्रोजेक्ट करने के लिए. कहां से? यहां से प्रोजेक्ट करने के लिए कहां तक? इनफाइनाइट. तो आप मैं पूछोगे सर वेलोसिटी तो आई नहीं, हम तो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, यहां पे लिखा है एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड, ठीक है? तो वेलोसिटी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो ये जो हमने वर्क डन किया, कोई भी अगर हम वर्क डन करते हैं, दैट इज स्टोर्ड इन द सम काइंड ऑफ एनर्जी. अरे एनर्जी भी तो स्टोर होता है किसी ना किसी,
या तो काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, या तो कोई और एनर्जी होगी। समझ रही बात ये? तो देखो जब मैंने इस बॉडी को यहाँ से थ्रो किया ऊपर की तरफ, ये देखो मैंने ऊपर की तरफ इसको थ्रो किया तो क्या हुआ? अरे मैंने इसको यहाँ पे कौन सी एनर्जी दी, वर्क डन किया तो कौन सी एनर्जी मिली इस बॉडी को? अरे काइनेटिक एनर्जी मिली। तो ये काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। किसमें कन्वर्ट हो रही है? ये पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये कौन सी एनर्जी है भाई? कह रहे पोटेंशियल एनर्जी है ये। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेज कर देते हैं, इसका काम अब खत्म हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो किसकी इक्वल लिखूंगा? माइनस ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल एम स्मॉल एम मोव ऑन आर स्क्वायर, सॉरी नॉट आर स्क्वायर, सिंपल आर। लेकिन फिर भी आप बोलोगे भाई सर तो यहाँ पे तो एक्सप्रेशन आए हैं। अभी मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो मैंने इसको काइनेटिक एनर्जी दी थी, वेलोसिटी दी थी, वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी दी थी, वो सारी की सारी एनर्जी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते किसमें कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अरे तो मैं इन दोनों एक्सप्रेशन का यूज करके निकाल सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी वही तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ हो। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अरे जितनी काइनेटिक एनर्जी मैंने नीचे दी उतनी ही तो वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी। बात समझा रही है? ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है हमारे पास 1/2 m v2, v को हम लिखते हैं स्केल वेलोसिटी, e लिख दिया उसके फुट में, और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने निकाला ही है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन व्हाट आर। क्लियर हुई बात ये? अब देखो यहाँ पे भाई एम से तो कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या मेरे पास? मुझे तो एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को इस तरफ ले जाते हैं 2 टाइम्स ऑफ जी कैपिटल जी अपॉन आर, और बी इज इक्वल टू 2 कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर व्हाट अंडर रूट, व्हिच इज द एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी। आ गया भाई मेरे पास एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, किस टर्म में आया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और मास, सॉरी हाँ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास और रेडियस की टर्म में। इसको मैं और ज्यादा थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ कैसे? अगर मुझे अपने प्लैनेट की ग्रेविटी के बारे में नॉलेज है तो मैं उसको और ज्यादा सिंपलीफाई कर सकता हूँ कैसे? देखो वी नो, हम लोग जानते हैं कि कैपिटल स्मॉल जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, जी एम अपॉन व्हाट आर स्क्वायर। तो जी एम की वैल्यू निकालो मैं यहां से, जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे इस एक्सप्रेशन का यूज करके मैंने जीएम की वैल्यू निकाल ली, तो जीएम की वैल्यू को डाल इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो देखो क्या बन जाएगा मेरे पास एसके वेलोसिटी, एसके वेलोसिटी विल कम आउट टू बी 2 जीएम की जगह क्या लिखूंगा मैं, जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर होल अंडर रूट 1 आर से काट कर दिया, तो एसके वेलोसिटी कम आउट टू बी 2 जी आर। तो दैट इज द एसके वेलोसिटी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट वाज द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ द मास। समझे बात? अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। तो बी ई विल कम्स आउट टू बी 2 जी की वैल्यू अर्थ सरफेस पर तो हमें पता है 9.8, रेडियस भी पता है इन मीटर में 6.4 × 10^2 कितना होता है 6 मीटर होल अंडर रूट, व्हेन वी कैलकुलेट ऑल दिस वैल्यू इट विल कम्स आउट टू बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी भाई किसी को ऑब्जेक्ट को देनी पड़ती है तब जाकर के वो अर्थ सरफेस की फील्ड को, सॉरी अर्थ फील्ड को छोड़ करके वो बाहर निकल पाता है। कितनी? अरे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक ही सेकेंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसको? 11.2 किलोमीटर। यानी कि मुझे इस पेन को भी अगर बाहर भेजना है, ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर भेज देना है, तो उसको कितनी स्पीड देनी पड़ेगी मेरे को? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर 11.2 किलोमीटर पर डिस्टेंस कवर कर जाए, इतनी इसको स्पीड दूंगा तब जाकर के कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ फील्ड से बाहर निकल पाएगा। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द एस्केप स्पीड। आई होप यू क्लियर हो गया होगा सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल।